शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419। अरे बैठना ठीक तरह से, उतरा क्यों है? अच्छा अच्छा बैठता हूँ। अरे तेरे वजन को क्या हो गया? वो पानी पी लिया था ना इसलिए। नाराज हो हमसे? सच्ची? कहाँ थी कल? आई क्यों नहीं? एक दिन नहीं मिली तो इतना गुस्सा? कल को कोई दूसरा हमें ब्याह ले गया तो? काट के रख दूंगा उसे और खुद भी टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, लेकिन तुझे अपने आप से अलग होने नहीं दूंगा। इतना प्यार करते हो हमसे? हाँ बहुत प्यार करता हूँ तुझसे। अगर मैंने कुछ पाया तो तुझे, तेरे प्यार को। तू समझ रही है ना? अगर तू नहीं मिली तो यहाँ बहुत दुखता है। क्यों दुखता है? हाँ क्यों दुखता है? बस कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। याद है कि राजू की माँ और मेरी भाभी ने दोनों बच्चों के लिए कुछ सपने देखे थे? Come on, Dad, आप बात को लंबा क्यों कर रहे हैं? Come to the point. मेरे पास ये पगला मगर इकलौता बेटा है जिसे अकलमंद बनाने के लिए मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। Good joke. बस एक ही रास्ता है, अगर राजू की शादी हम अपनी काजल से करते हैं। हाँ सिद्धार्थ, दोस्ती के नाम पर इस घर की महक से अपने यार का घर महका दे। यार तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हाय राजू। हाय काजल। लगता है ये दोनों दोस्त मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी तो पक चुकी है, अब सिर्फ खाना बाकी है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी। बच्ची, रमा ने तुझे अपनी बेटी बना लिया है। मैं तो अंकल की बेटी हुई है ना अंकल? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। नहीं, लेकिन आज बेटी के साथ साथ तुझे अपनी बहू बनाने का भी फैसला किया है। काजल मेरी बेटी पहले और बहू बाद में। काजल कहाँ चली बेटा? अरे भाई शर्मा गई। यही शर्म, हया, बड़ों का मान, अपने इन्हीं संस्कारों के लिए मैं तरस गया था। काजल बेटी के साथ साथ एक बहुत बड़ी मर्यादा मेरे घर आएगी। बस सिद्धांत अब शादी की तैयारी हो जाए। डैड, अंकल, कल ही काजल और मैं कंप्यूटर से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं। 2-in-1, यानी मंगनी और शादी दोनों साथ साथ। एनी प्रॉब्लम्स? नॉट एट ऑल। मैं जरा काजल से पूछ के आता। अकेले में मिलने का अच्छा बहाना। अच्छा अपने दिन भूल गया। तेजी ना झटका। कल मुहूर्त निकलवाने चलना है। हमारी शादी भी एक यादगार होगी, प्यार करने वालों के लिए एक मिसाल। ए तुम रो रही हो? समझा, तुम इंडियन लड़कियां भी बड़ी कमाल होती हो। बात चाहे विदाई की हो या प्यार के इंतहा की, तुम अपनी खूबसूरत आंखों में आंसू भरकर दूसरों की नींद उड़ा लेती हो। ए डोंट क्राई। ए कहीं कुछ और बात तो नहीं ना? हाँ वैसे ही बुद्धराम तुम्हें कैसा लगा? हाँ मैं सुधर जाऊंगा, शादी के बाद मैं एकदम पत्नी व्रता इंडियन पति बन जाऊंगा, आई स्वेयर। खुशी के मौके पर रोते नहीं। ए तुम्हारी चीज सुला ले जा रहा हूं, तुम्हारे सपने जॉब मेरे हैं। आई लव यू। करण बहुत खुश हो रही है तुम? तू जो आ गया है पहचाना ही नहीं जाता, बिल्कुल बदल गया है।
मेरी तो पूरी दुनिया बदल गई है। फैक्ट? हाँ, सोचा तुझे मिलकर सब कुछ बता दूं। शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल तो समझा। कैसे हुआ ये जादू? मुझे मोहब्बत हो गई है तुलसी। मोहब्बत? चेहरे पे इतना नूर तुम्हारे, आंखों में इतना प्यार, ऐसा लगा मिलकर जैसे आज मिले हम पहली बार। तुलसी, सोचता हूं मैंने मोहब्बत पहले क्यों नहीं की, इतना वक्त ऐसे ही गुजार दिया। दिल करता है कि दुनिया की सारी खुशियां अपनी मोहब्बत को लाकर दे दूं, सब कुछ लुटा दूं उस पर, अपनी जान भी। बस अब और सबर नहीं होता, एक बार अपनी जबान से उसका नाम ले ले। एक बार काजल, बहुत खूबसूरत है वो। काजल मिल गई, सब कुछ मिल गया, मैं उसे शादी करूंगा। मैं जानता हूं मेरी शादी की खुशी में तू बहुत नाचेगी। नाचेगी ना? हाँ, हाँ, नाचूंगी, जरूर नाचूंगी। अच्छा तुलसी, मैं चलता हूं, मेरी मोहब्बत के लिए दुआ करना। झूठी मोहब्बत के नाटकों के लिए तो ये कोठे हमेशा ही बदनाम रहे हैं। आज कोई हमसे ही नाटक खेल गया। उसे दोष मत दो पिया जी, वो तो मेरे हाथों में फूल रख लिया था। मेरी किस्मत थी जो मुठिया खोली, डोंगार निकले। मत रो तुलसी, मत रो तुलसी, मत रो। अरे अगर तवायफों के आंसू में असर होता तो ये कोठे कब के बह गए होते। तुलसी, मैं क्यों रोने लगी भला? क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि काजल की जगह आंखों के अंदर होती है और तुलसी की घर के बाहर? मैं बहुत खुश हूं पिया जी, करण की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई है। मेरे आंसू देखकर अगर लौट गई तो इन कोठों की लाज ही डूब जाएगी। मैं बहुत खुश हूं पिया जी। संभाल मुझे, अपने आप को संभाल पिया जी। मरने से पहले एक बार काजल को जरूर देखना चाहूंगी। कहा जाता है आज तक सिर्फ तवायफों ने लोगों के घर लूटे हैं, ये कौन सी शरीफजादी है जिसने एक तवायफ की दुनिया ही लूट ली? देखा काजल, दोस्ती और शराफत की ऐसी मिसाल कहां मिलेगी? आजकल के जमाने में तो कहीं नहीं। इतना दौलतमंद होने के बाद भी रमा वो वादा नहीं भूला जो राजू की मां ने तुम्हारी मां से किया था। पापा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप हमारी बात इत्मीनान से सुनिए, ठंडे दिमाग से। हाँ हाँ, बोलो बेटा। हम किसी और से प्यार करते हैं पापा। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? इतना बड़ा राज तुमने मुझसे छुपा कर रखा? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं रमा को वचन दे चुका हूं। वचन में तो हम भी बन चुके हैं पापा, कभी न टूटने वाला बंधन। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर वो है कौन? आप उसे जानते हैं, उसका नाम करण है। कौन करण? आपने उसे देखा भी है पापा, वही करण
जो एक दिन मौत का साया बनकर हमारे सर पर मंडराता था, आज हम उसी का हाथ थामकर जिंदगी की राह पर चलने की कसम खा चुके हैं। तुम होश में तो हो? जानती भी हो क्या कह रही हो? तुम उससे प्यार? पागल हो गई हो? पापा प्लीज हमारी बात तो सुनिए। तुम क्या बताना चाहती हो कि समाज में उसकी क्या जगह है? वो शराफत के माथे पर एक कलंक, दूसरों को बेइज्जत करने वाला एक जंगली जानवर, जहर से भरा एक जहरीला सांप, एक मुजरिम। वो मुजरिम नहीं रहा पापा, बुराई छोड़ चुका है। उसने ये सब हमारे लिए किया है, हमारे प्यार के लिए। हमने उसे नई जिंदगी दी है। गटर के गंदे पानी में अगर पूजा के फूल मिला दो तो वो गंगा जल नहीं बन जाता। गटर का गंदा पानी गंगा में मिलकर गंगा जल ही बन जाता है पापा। करण पश्चाताप की आग में जलकर कुंदन बन चुका है। दुनिया के जुल्म और नफरत ने उसे अंधेरों में गिरा दिया था, हमारी मोहब्बत वापस उसे रोशनी में ले आई है। नहीं, ये नामुमकिन है। जीते जी मैं तुम्हें उस आग में नहीं कूदने दूंगा। आज के बाद तुम उसे नहीं मिलोगी। बट आई लव हिम पापा, आई लव हिम। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? हाँ, हमें कैसे जीना है, किससे प्यार करना है, इसका फैसला करने का अधिकार सिर्फ हमारा है। हम करण के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तुम मौत को गले लगाना चाहती हो? छोड़ दो उसे। हम सब कुछ छोड़ देंगे, ये घर, ये दुनिया, ये जिंदगी, लेकिन करण को नहीं। तुम ऐसा कर सकती हो क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हें अब मेरी कोई जरूरत नहीं। जाओ! मैंने तुझे हर रिश्ते से आजाद किया। इस बदनसीब विदाई के बाद तुझे हर वो अधिकार दिया जो तेरे बाप के चेहरे पर काली पोतने वाले करण को खुश कर सके। हर वो अधिकार जिससे तू अपने गुरु, अपने बाप, अपने हर 15 मिनट में इनका बीपी चेक करती रहना। यस डॉक्टर। तुम वार्ड पे जाके देखो काजल, इट वॉज अ मेजर हार्ट अटैक, बट वी आर लकी कि हम उन्हें बचाने में कामयाब हो गए। बट यू डोंट वरी, अभी थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। तुम जाके उनसे मिल सकती हो। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आपके बिना जी नहीं सकते। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तो आप हैं। आप जो चाहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप ही हमसे रूठ गए तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे पापा, कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पापा, पापा हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। अजल, काजल बेटी, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। वाह यार, अच्छा समझी है, शादी की तैयारी करने के बजाय यहाँ आराम फरमा रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? राइट डैड, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा अंकल। फाइल लागू अंकल, अभी तो आपको मेरी शादी में भांगड़ा डालना है। क्यों काजल, कब लेके आऊं बारात? क्या हुआ? हाँ? दीदी, क्या हुआ? दीदी, उसकी शादी है ना। काजल, तुम
क्यों आए हो यहां? बाबा जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझसे शादी करके बहुत खुश रहेगी बाबू जी, बहुत खुश रहेगी। खुश रहेगी तेरे साथ, एक मुजरिम के साथ। अब मैं मुजरिम नहीं रहा बाबू जी, मैंने सबको छोड़ दिया है। काजल ने मुझसे सबको छुड़ा दिया, उसी ने मुझे ये नई जिंदगी दी। काजल, तुम ही बताओ ना बाबूजी को कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। चले जाओ यहां से। क्या? हम कहते हैं चले जाओ यहां से, दोबारा यहां कभी नहीं आना। गो अवे। मत सताओ हमें, आखिर तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है? रिश्ता विश्ता मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। I said leave me। मत भूलो कि मैं एक इज्जतदार खानदान की बहू बनने जा रही हूं। हमारी शादी हो रही है उस लड़के से जिसे हमारे पिता ने चुना है, हमने चुना है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था? और सच ये है कि आज तुम किसी और की बनना चाहती हो? काजल, मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me। हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें।
तुमने मेरे होने वाले सुहाग को मार डाला? ऐसी रुसवाई से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। मार डालो मुझे, मैं कहती हूँ मार डालो मुझे, मेरा मर जाना ही अच्छा है। तू एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है बेटी। मैं तेरा घर हमेशा हंसता बसता देखना चाहता हूं बेटी। राजू को कभी भी मेरा विश्वास कीजिए पापा, मेरा गुजरा हुआ कल मेरे आज और मेरे आने वाले कल को कभी नहीं छू पाएगा। मैं पत्नी धर्म की हर मर्यादा को निभाऊंगी। झूठ कहते हैं लोग कि बेटी के पैदा होते ही बाप के कंधे झुक जाते हैं, तो जैसी बेटी को पाकर मेरा सर गर्व से ऊंचा उठ गया। जा खुश खुश जा और खुशियां बांटते हुए वापस आ।